तो नंबर का जो गेम फिलहाल चल रहा है उसको लेकर ये देखना होगा कि आखिरकार नंबर और जो बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए होता है वो आखिरकार किसके पास होगा, बीजेपी या अजीत पवार के साथ या फिर एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के पास। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे पहले तारुफ आपका करा देती हूं। हमारे साथ है संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक है, संजय द्विवेदी जो कुछ देर में जुड़ेंगे शिवसेना के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही प्रमोद कुमार जी हैं एडवोकेट हैं, राहुल लाल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, इसके साथ ही अकरम कादरी जी हैं कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले हम आना चाहेंगे संजीव कौशिक जी के पास। संजीव जी, ये किस तरह का यहाँ पर सियासत चल रही है, किस तरह का ये पूरा संग्राम चल रहा है, महीना बीत गया है लेकिन जनादेश का ना किसी ने पालन किया, कोई कभी कहता था कि हम विपक्ष में बैठने को मजबूर हैं लेकिन आज सरकार बनाने को यहाँ पर इतने उतारू दिख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसके कि आखिरकार बहुमत है किसके पास, हर कोई अपनी यहाँ पर हुंकार भर रहा है लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीर महाराष्ट्र की नजर आ रही है यहाँ पर क्या कहा जाए कि आखिर में जो पिक्चर है वो कब जाकर क्लियर होगी? देखिए, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने से लेकर के और पिछले दो दिनों में जिस तरह की घटनाक्रम देखने को मिली है, देश की जनता ने देखा है कि कैसे केंद्र के इशारे पर राजभवन को तातातैया कराया जाता है। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है और ये चिंता का विषय भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस आनन फानन में राष्ट्रपति शासन हटाया जाता है सुबह में 6 बजे के आसपास में, फिर 8 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाता है, आज हम लोग जो देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की प्रक्रियाएं चल रही थी उसमें स्पष्ट था कि लगातार विपक्ष के द्वारा यही मांग की जा रही थी कि आप एक बार बहुमत दिखा दें, यदि आपके पास है बहुमत सरकार बनाने लायक तो यदि आपके पास संख्या बल है फिर आप 24 घंटे की यदि मांग मोहलत की जा मांगी जा रही थी तो आप कभी 7 दिन की बात करते हैं, कभी 24 घंटे से ज्यादा वक्त चाहिए होगा, ऐसा नहीं चाहिए होगा। ये भी आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सुनवाई, एक चीज ये भी क्लियर हुई, पहले तक तो कहा जा रहा था कि 30 नवंबर तक लेकिन जिस तरह से मुकुल रोहतगी ने कहा कि 14 दिन का वक्त दिया गया है लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें तो 7 दिसंबर तक का वक्त, तो वही ये चीजें तो आज जाके क्लियर हुई है। आपके पास यदि संख्या बल है तो फिर भागने की जरूरत क्या है, आपको जाहिर सी बात है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहती हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहती हैं, पोटली लेके दरवाजे दरवाजे घूमना चाहते हैं। आप भले मजाक में उड़ा लें कि आपके पास एनसीपी से आप सवाल कर लें, कांग्रेस से सवाल कर लें कि आपके पास कितने विधायक हैं, अरे साहब सवाल यह है कि आपके पाले में कितने हैं, आपने जो लेटर दिया है क्या वाकई उसमें उतनी सच्चाई है, किस तरह से आपने दिया है। मुझे तो लगता है कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार एक फर्जरी के केस में बुरी तरह से उलझ जाए, जब पता चले कि नहीं वो कोई कुछ और चीज़ों के लिए लिस्ट बनाई गई थी और साइन किया गया था, वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये कल देखिए, मुझे उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश मिलने वाला है वो यही होगा कि आप अतिशीघ्र यदि आपके पास संख्या बल है तो आप इसको सिद्ध कीजिए। बिल्कुल, लेकिन प्रमोद कुमार जी, आज की जो तमाम गहमा गहमी चली, जो दलीलें वहां पर रखी गई, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो जायज चीजें थी वो शायद सामने आ पाई, क्योंकि देखा जा रहा था कि जो चाहे वो एनसीपी के कह लीजिए या फिर कांग्रेस के पक्ष जिस तरह से रखे जा रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि बनाइए आप जल्दी अपनी जो मत है, जो बहुमत है उसको जल्दी साबित कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर फटकार लगाई और कहा कि ये हमारा आदेश है कि हम कब यहां पर सहमत होंगे, तो ऐसे में यहां पर क्या हम ये कहें कि ज्यादा जल्दबाजी कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना इसलिए कर रही है, खरीद फरोख का जाहिर तौर पर डर है और यहां पर हमने देखा भी है कि अब जो विधायक हैं जिनको छिपाया गया है शिफ्ट भी किया जा रहा है, क्या ये एक डर है इसकी वजह से यहां पर जल्दबाजी, नहीं तो ऐसी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है? देखिए मैडम, आप देखे होंगे कि ये सारा प्रदेश के बाद ये तो साफ हो गया है कि इसमें दो चीज आया ऊपर करके कि एक तो हॉर्स ट्रेडिंग है कि पूरे चीज को बाजार बना लिए हैं, मोल भाव हो रहा है, और दूसरा जो है बता रहे हैं कि विधायक डरे हुए हैं इसीलिए होटल पे होटल जगह पे जगह बदल रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है प्रजातंत्र के लिए दोनों चीज। आप शपथ ग्रहण जब लेते हैं संविधान के अंतर्गत तो उसमें एक स्पष्ट बातें आती है कि हम बिना भय का कोई भी निष्कर्ष लेंगे। आप देखिए कानून विद हैं, आप कानून बनाते हैं और इस तरह का जो है हरकतें हो रही है तो पब्लिक अब जान रही है, सारी तस्वीरें जो पब्लिक के सामने आ रही है एक दूसरे जो है वहां नंगे हो रहे हैं। लेकिन अब मैं यहां सुप्रीम कोर्ट के परिदृश्य में बताना चाह रहा हूं कि जो पेटिशनर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस जो आए यहां पे आनन फानन में, जैसे एक तरफ तो हो रहा था कि जी कौन से तूफान मचा हुआ था कि जो आप जो है इतनी जल्दी राज्यपाल एमरजेंसी तो नहीं आ गई और ये बनाए, आप सिमिलरली ये दूसरे जगह अप्लाई हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट संडे वाले दिन छुट्टी वाले दिन बैठ रही है,
दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट ने दो इश्यूज पर मेन करना था, एक तो कि क्या राज्यपाल ने जो सीएम और डिप्टी सीएम बनाया वो नीतिगत है या अनीतिपूर्ण है, तो उस पे देखिए जो ओपिनियन आया है। लेकिन प्रमोद जी, इस दौरान जब बयान आ रहे थे, वकील भी जब यहां पर सामने आके बता रहे थे कि आज की हियरिंग में दरअसल हुआ क्या, उन्होंने तो साफ शब्दों में ये कहा है कि आज जो सुनवाई हुई है सीधे तौर पर इसके लिए हुई है कि जो फ्लो टेस्ट है वो कराना है या नहीं कराना है। देखिए उसमें तो साफ जो है एक इशू ये भी था कि गवर्नर जो है क्या, रमन्ना साहब ने संडे को ये पूछे थे कि क्या गवर्नर कोई पीएम बना देगा या सीएम बना देगा, तो अब इस चीज को इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे कि आप समर्थन पत्र जो प्रस्तुत किए हैं वो सही है क्या। अभी जैसे हमारे भाई कौशिक साहब बता रहे थे कि ये जो है वहां जाली में फंस जाएंगे वो आपका वो पवार साहब, तो मैं आपको बता दूं कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, उसने कहा कि नहीं वो जो चीज है गवर्नर ने सही काम किया है। और अब दूसरी पहलू जो रह जाता है वो फ्लोर टेस्ट की बात होती है, तो फ्लोर टेस्ट में दो चीजें हैं, एक समय की डिमांड है, जैसे आज पहली बार आया है कि मुकुल रोहतगी साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं प्रणवीर साहब के साथ के, और वो उन्होंने कहा कि नहीं जी 14 दिन का वक्त दिया गया है फ्लोर टेस्ट के लिए। अब उसमें ये बहस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रहा है कि गवर्नर वाला इशू अब क्लोज हो गया, अब आप आ जाइए फर्दर पर फ्लोर टेस्ट पे। फ्लोर टेस्ट के लिए 14 दिन का वो चाहिए या उससे कम चाहिए। देखिए उस पे संजीव खन्ना साहब का ओपिनियन था कि इसके पहले कर्नाटका में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, झारखंड में हुआ, वहां पे 24-48 घंटे में किया गया। इस मसले को तो कोर्ट करा ही नहीं जा रहा था, बार बार ये जिक्र कहा जा रहा था कि जो कर्नाटक में हुआ उसको इतर रख कर यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर सुनवाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज आया है जो उन्होंने कहा है, मनिंदर जी ने जो सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, और मुकुल रोहतगी साहब ने जो आर्टिकल 361 का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें डिस्क्रेशनरी पावर है गवर्नर का। नाउ क्वेश्चन यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट है जो कानून का जो सर्वोच्च मानदंड रखता है, दूसरे तरफ क्या उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर की है और भी केस में, एसआर बोमई वाले केस में हुआ है, कर्नाटक वाला में हुआ है, तो वो क्लैरिटी है। अब कुल मिलाकर कल जो फैसला जो रखा गया है रिजर्व में वो ये होगा कि आपका 7 दिसंबर का वक्त है फ्लोर टेस्ट का, मुझे जो अनुमान लगता है आपका गोइंग थ्रू ऑल द फैक्ट्स, तो इस जो सिलसिले में आज जो आर्गुमेंट हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर में आप फ्लोर टेस्ट का जो है कार्रवाई कीजिए। यहाँ पे भी देखिए दो चीजें हैं, केवल कार्रवाई फ्लोर टेस्ट से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटम स्पीकर अपॉइंटमेंट का है। वही चीज राहुल जी, के बाद राहुल जी वही चीज, क्योंकि प्रक्रिया अगर पिछले कुछ चीजों को देखें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, अरुणाचल प्रदेश का भी जिक्र यहाँ पर सामने आ रहा है, कर्नाटक का भी ले लीजिए, तो हर बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब भी ये ऐसे मामले गए हैं तो जल्द से जल्द कोशिश की गई है कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। लेकिन अभी जब महाराष्ट्र का ये मामला आ रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना है तो ऐसे में शायद 3-4 दिन का वक्त लग जाए, और लगातार यहां पर हम देख रहे हैं तीनों दल जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। अरे मित्र, जब आप 15 दिन से सरकार नहीं बना पाए, आपको क्या टाइम नहीं मिला क्या? 15 दिन से आप क्या कर रहे थे? आप लोग ये डिसाइड कर रहे थे मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे, होम कौन लेगा, फाइनेंस कौन लेगा, आप 15 दिन में जब डिसाइड नहीं कर पाए, जब आप गवर्नमेंट आ गई, जब सवाल जब सैटरडे को सरकार अजीत पवार के पास आज सदस्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि अगर आप कह रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो इसका मतलब है कि अब आपको अगर मनोज जी देखिए, मनोज जी इस बात को आप भी नहीं नकार सकते हैं, मनोज जी इस बात को आप भी नहीं नकार सकते हैं कि अगले ही दिन, उसी दिन जब शपथ ली, उसी दिन फाइनल होना था, औपचारिक ऐलान होना था और राज्यपाल के समक्ष जाना था कि देखिए हमारे पास समर्थन है, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या कि आप लोगों ने यहां पर एकदम से राष्ट्रपति शासन हटाया, उसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर। संजय जी के पास आना चाहूंगी, संजय जी क्या हो गया समर्थन की बात? तो यहां पर मनोज जी कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा समर्थन है, 170 का संख्या यहां पर दे दी, आप लोग भी पहले तक तो 170 की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो पत्र दिया गया है राज्यपाल को 162, अभी भी ये हुंकार भर रहे हैं कि 54 के 54 जो विधायक है एनसीपी के हमारे साथ है। पहले मनोज जी, राष्ट्रीय नेता हूं,
संजय जी, संजय जी फिर से रुक करेंगे। संजय जी आवाज आपके साफ नहीं आ पा रही है, फिर से रुक करेंगे। आपके जो साथी पार्टी है अकरम कादरी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अकरम जी, जी मैडम क्या बोल रही, कितने विधायक आपके पास? 162 का समर्थन पत्र आपके जरिए दिया गया है राज्यपाल को, लेकिन यहां पर तो मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि हमारे पास हैं 170 विधायक हैं। देखिए जिस तरीके से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में टाइम मांग रही है, हमें 14 दिन का टाइम दिया जाए, वो चीज़ साबित करती है कि बीजेपी के पास जो है संख्या बल नहीं है। ये पूरा एक दुरुपयोग हो रहा है, राज्यपाल साहब का दुरुपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रपति महोदय तक का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप ये देखिए, जैसे 2-3 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, क्या हट सकता है इस तरीके से? क्या मोदी जी का कैबिनेट बैठ के डिसीजन ले सकता है कि राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाए? किस तरह से देश के साथ धोखा विश्वासघात किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। दूसरी आप ये देखिए कि यही अजीत पवार है, इलेक्शन से पहले मोदी जी कहते थे कि अजीत पवार ने कहा जब किसान उनके पास गए तो पानी का डैम की समस्या थी, बोले क्या मैं इसके अंदर पेशाब कर दूं? कई प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में ये बात रखे हैं। आज वही आप अजीत पवार अच्छे हो गए, शोले का डायलॉग अभी आपने बोला, एक शोले का डायलॉग और मुख्यमंत्री बहुत उनके बोल रहे थे। शिवसेना तो आपके लिए भी अच्छी हो गई है। मैं शिवसेना की बात नहीं कर रहा, मैं अजीत पवार साहब की बात कर रहा हूँ। किस तरीके से अजीत पवार को ये कहते थे कि जेल के अंदर चक्की पीस, हम तो शिवसेना की बात कर रहे हैं ना। क्या हो गया, इनकी नैतिकता देश देख रहा है, ये बेनकाब हो गए, बहुत अच्छा हुआ है देश ने देख लिया ये किस तरह के लोग हैं। आप भी 15 दिन से सरकार बनाने में सरकार 15 दिन नहीं 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए आप नहीं बना पाए, वही अजीत पवार है जिनको वादे किए गए थे अगर हमारी सरकार बनी जेल में चक्की पिसवाएंगे, अब उनको कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? आप जवाब दीजिए, आपको नींद आने सरकार 6 महीने भी नहीं बनी वो बात अलग है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री के दावेदार कह रहे थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री दोबारा बना तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा, अब उस वादे का आपका क्या हुआ? इस तरह से जनता को आप ठगते हैं। आप अजीत पवार ये बहुत अच्छे हो गए, आप जवाब दीजिए इसका। नहीं नहीं, आप 15 दिन से 15 दिन नहीं 6 महीने नहीं बनती, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, दुनिया जानती है, फिर समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए ना। आप इसका जवाब दीजिए, लग गए थे क्या? आपने जो जनता से वादा किया था कि अजीत पवार को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, हम आज क्या कर रहे हैं? आप इतना झूठ, इतनी मक्कारी नहीं है, इतना दोगलापन, हमारा मुख्यमंत्री को जज नहीं है, ये साबित हो गया है कि जितने विपक्ष के नेता जेल में डाले जा रहा है वो बेकसूर है, चाहे लालू यादव हो चाहे जो भी हो, अगर तुमसे हाथ मिला लेते लालू यादव आज जेल के अंदर नहीं होते, बाहर होते। आप सुनिए, अगर अजीत पवार आपके हाथ मिलाते और आपकी संख्या होती तो जेल में डालते आप। आप किस तरह का विश्वासघात कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश देख चुका है इस बात को। अकरम भाई, कोई पार्टी ये डिसाइड नहीं करती, आप ये बताइए कौन जेल में रहेगा और कौन जेल के बाहर रहेगा, कैसे कह दिया ये डिसाइड? क्या अगर हमारी सरकार, मनोज जी अभी तो ऐसा ही लग रहा है, मनोज जी अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद बीजेपी ही कहीं ना कहीं डिसाइड कर रही है कि कहां ईडी भेजनी है, कहां सीबीआई भेजनी है। मनोज जी तो जांच एजेंसियां बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं। अभी तो यही लग रहा है स्थिति, तो यही लग रही है ना कि ईडी कहां भेजनी है, सीबीआई कहां भेजनी है, कमजोर कर दीजिए कड़ियों को और फिर जोड़ दीजिए। नहीं ऐसा नहीं है, ईडी सीबीआई कोई अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थोड़ी होती है ईडी सीबीआई। भाई फडणवीस ईडी सीबीआई कहां से भेज देंगे वो कोई ऐसा तो है नहीं। आप बताइए, आप मैं कह रहा हूं कि बिना तथ्य के बहस करने को मतलब नहीं निकलता। आपने जब अजीत पवार बचाते रहे जब तक जनता रोड पे नहीं उतरी, शोर मचाने से कैसे विधायक को अपने जो एक बलात्कारी था उसको बचाया जा चुका था, बता दो अब तक को थाने में पीटा गया। शोर मचाने से झूठ को सच नहीं कर सकते आप। आप बता दीजिए सच सच रहेगा, ये बता दीजिए कि वही अजीत पवार अब अच्छे कैसे बन गए, आपने ये बता दीजिए। अरे भाई हद हो गई, अजीत पवार को हमने तो कभी चोर बोला ही नहीं, हमने कहा अच्छा? चोर बोला, हमने तो कभी नहीं बोला। ना दीजिए आपके आदमी नहीं है क्या? नेशनल करप्शन पार्टी के आदमी है क्या? मनोज जी याद दिला दे, प्रधानमंत्री मोदी जब सभाओं को संबोधित करते थे महाराष्ट्र में, एनसीपी नेशनल करप्शन पार्टी, इसका हिंदी अनुवाद बताने की जरूरत है क्या? देखिए बताने की जरूरत है क्या, किसने क्या कहा ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, भले ही आप डिबेट में ये बातें ना कहना चाहते हो वो अलग बात है। देखिए एक चीज मान लेने की जरूरत है कि आज के वक्त में राजनीति में आप नैतिकता नहीं ढूंढे संवैधानिक रूप से, या फिर जो सैद्धांतिक रूप से जो बात हम लोग लंबी लंबी करते हैं यहाँ पे वो मन नहीं ढूंढे, संख्याओं की राजनीति हो रही है, चाहे उसके लिए जहां से भी संख्याएं पूरी हो रही है, सीधी सी बात है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि जनाधार किसी के फेवर में नहीं है, अरे कुछ है नहीं तो करना पड़ेगा ना। आप दोबारा जनता को हम चुनाव में अच्छा मनोज जी ये गलत है कि अगर सरकार नहीं बन रही है तो कहीं से भी जोड़ तोड़ लो,
उसका क्या कि 10 दिन बाद सरकार गिर जाए? लोगों के साथ तो आपने दोगला व्यवहार किया है ना, छल कपट की तरह से जिस तरह से आप राजनीति चला रहे हैं, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं पूरे उसको, राज्य को। सवाल यह नहीं है कि सैद्धांतिक रूप से ये कितने सही है, सवाल यह है कि जिस तरह की नजीर इन्होंने पेश की है पिछले दो दिनों में, ये देश के लिए सोचने की बात है, ये चिंता का विषय है। ये बार बार कह रहे हैं, जाहिर सी बात है जब मुख्यमंत्री के लिए शपथ देने गए होंगे, एक लेटर तो दिया होगा ना, कितने लोगों का लेटर दिया था? यदि आज ये सवाल किया गया कि नहीं आप फ्लोर पर टेस्ट करा लीजिए कि कितने लोग आपके पाले में है, फिर आपको समय क्यों चाहिए? जाहिर सी बात है कि अंदर खाने बहुत सारी चीजें हैं। प्रमोद जी से मैं एक सवाल जानना चाहूंगी। दौड़ने की एक परंपरा चली है कि 10 हमारे विधायक हों और आपके 2500 मुख्यमंत्री मेरा हो। हरियाणा में आपने देखा है, वैसे जो 10 जीत के आए, इनके अच्छे अच्छे मंत्रियों को उन्होंने हराया है, उनको मिला के इन्होंने सरकार बना ली और उप मुख्यमंत्री का जगह दे दिया। तो ये नैतिकता की बात तो बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल आज सवाल सिर्फ यही है, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान अभी तक ये होता चला आया है कि आप सारे लोगों को बुलाते थे, माला पहनाते थे, मुस्कुराते हुए चेहरे, ऐसी क्या नौबत आ गई कि अंधेरे में आपको किसी को पता था? क्या आपको पता था? आपको भी पता नहीं था? बिल्कुल। जब ये खबर अचानक 8 बजे आती है कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, सारा देश मोहचक। मनोज जी ये तो बिल्कुल सही बात की है, सही बात कही है कि आप लोगों को खुद नहीं पता था कि हो क्या रहा है और आगे होने क्या वाला है। कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। लेकिन प्रमोद जी आपके पास यहां पर आना चाहूंगी, जो आज बात वहां पर मनिंदर सिंह ने यहां पर रखी है, जो एनसीपी के नेता हैं, अजीत पवार उनके वकील हैं, उन्होंने यहां पर रखा कि जिस समर्थन पत्र को फर्जी बताया जा रहा था, दरअसल वो फर्जी नहीं है क्योंकि विधायक दल के नेता अजीत पवार हैं और ऐसे में जो समर्थन उनको मिला है वो जायज है, कानूनी तौर पर देखा जाए तो जायज है। आपसे जानना चाहेंगे क्या ये सच में जायज है, क्या इसको ध्यान में रखकर कोर्ट का जो फैसला है वो कुछ और ही यहां पर रुख रखेगा? मैडम देखिए, आज के डेट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस इशू को क्लियर कर चुका है। उन्होंने जो समर्थन पत्र था स्पेशली संडे वाले दिन मंगवाए थे और उन्होंने देखा, उस समय देखिए ये विधायक दल के नेता थे एएनसीपी का, और उन्होंने वो जो उनका ये 48 का था उन्होंने समर्थन उसमें दिया हुआ है, और वो एक तो दूसरी पार्टी जो शिवसेना है और कांग्रेस पार्टी है वो खुद कह रही है कि ये सिग्नेचर का मिसयूज हुआ है। नाउ क्वेश्चन है कि एक जो विधान बनाने वाला है, जो नियम बनाने वाले है, क्या आपने ब्लैंक पेपर पर साइन कर दिया? तो कहीं ना कहीं और वो भी ब्लैंक साइन कर करके आप अपने नेता को दे रहे हैं। तो उस समय तो एक मिनट, उस समय तो आप नेता हैं, तो सवाल ये है कि वो फर्जी नहीं है उसको। बिल्कुल, ये भी सवाल उठते हैं कि आप इतने बड़े हो गए हैं, बच्चे तो आप रहे नहीं, क्या कोई भी साइन कर दे? ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि एक विधान सभा का सदस्य जो है वो कह रहे हैं कि हमसे साइन किया गया, और उसके ऊपर में जो अभी फिलहाल जो दिया गया है गवर्नर को कि हमारे पास 170 विधायक है, वो देखिए आप दूसरा एक तरफ तो इधर भी समर्थन दे रहे हैं, दूसरे तरफ इधर भी समर्थन दे रहे हैं, तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। दूसरा ये जो समर्थन जो गया है अभी जो आज जो उन्होंने गवर्नर को दिए हैं वो अपने आप में नल एंड वॉइड है, क्योंकि जब गवर्नर का सिर्फ रोल है कि एक चीफ मिनिस्टर को या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को या जो भी है उसको एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट तो फॉर्म हो चुका है ना। अब जो दूसरा फेज का जो होगा कि उसका फ्लोर टेस्ट का है, उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं आता है, उसमें केवल स्पीकर का रोल होता है। तो आप जब एक गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका है और अभी तक वो उसका लीगल और इलीगल का क्लियरिटी नहीं हुआ है, तो उस स्टेज में एक दूसरा आप समर्थन देना कि हमारे पास मेजोरिटी है, मैं समझता हूं वो इरिलेवेंट है और अपने आप में वो पूरा का पूरा जो लेटर है वो नल एंड वॉइड है। तो यहां पर किसी तरह का कोई रिलेवेंस नहीं, या तो विपक्ष के जो कुछ लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को और गुमराह कर करके अपने आप को फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी राहुल जी, का दुरुपयोग किया तो ऐसे में देखिए उनको अगले दिन जो है उनको देखिए जिसमें ये बैठक होती है पार्टी की, उसमें 42 सदस्य थे, तो विधायक दल के अगर 42 सदस्य मिलके तय करेंगे तो वो अतीत हो गई। लेकिन आज के डेट में, अब हम लोग आज के डेट में जो है कि पाटिल को माना जाएगा विधायक दल का नेता, और एक ही नहीं देखिए एक सवाल का भी उठेगा, बनाए तो वो कौन निश्चित करेगा? नहीं, मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए वो जब अभी 42 लोग अभी मिले हुए हैं, तो विधायक दल का नेता है तो विधायक ने नेता बनाया, विधायकों ने बनाया, डिसाइड तो विधायक लेगी ना, विधायकों ने, विधायक लेगी फ्लोर टेस्ट। प्रमोद जी विधायकों ने सुन तो नहीं है ना कि ओवरनाइट का फैसला करके ये आज विधायक ने। प्रमोद जी एक मिनट राहुल जी को सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात करिएगा। राहुल जी को सुन लेते हैं। प्रमोद जी मैं कह रहा हूं कि देखिए विधायक दल के लोगों ने उनको अजीत पवार को बनाया,
जब वो दूसरा लेटर जब तैयार हुआ तो विधायक दल के नेतों लोगों ने बैठकर ही फिर पाटिल को अपना विधायक बनाया, तो वो बहुमत संख्या में जिनके पास होगा वो उनका होगा। लेकिन लेकिन जब समर्थन पत्र दिया गया जाने से कोई दिक्कत नहीं, एक बार जब वो बन गया काम कंप्लीट हो गया ना, अब मामला राजपाल पर चला गया, राजपाल आप जी सीएम बन गए, जब आप सर सर एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा सर, एक 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 करके निकल गया राहुल जी, थोड़ी खींचेंगे उसको ठीक है। देखिए ये तो आज सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा, देखिए फ्लोर टेस्ट ही होता है, 1994 में ही उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, तो ये तो अब चीजें कहां जा रही है वो फ्लोर टेस्ट में होगा। लेकिन देखिए विधायक दल का नेता का मामला आगे भी फ्लोर टेस्ट के दरमियान में भी मायने रखेगा, क्योंकि देखिए जब एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए आखिर व्हिप कौन जारी करेगा, व्हिप जारी करने का अधिकार विधायक दल के नेता के पास ही होगा, वही किसी को सचेतक नियुक्त करेंगे, तो ये मामला वहां पे भी एक तरह से महत्वपूर्ण घटक रहेगा। अगर मान लीजिए अजीत पवार ही रह गए, अगर तकनीकी तौर पे वही रह गए तब तो पूरा मामला अलग हो जाएगा, बिल्कुल पूरा मामला ही पलट जाएगा। संजय जी का रुख करना चाहेंगे, अजीत पवार नहीं है इसलिए शरद पवार, संजय जी संजय जी क्रक्स यहीं पे है, क्रक्स मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूं, स्पीकर पे है और ये है यदि वो प्रमोद जी रुक जाइए, राहुल जी एक मिनट मैं फिर से आऊंगी आपके पास। संजय जी बहुत देर बाद जुड़े हैं हमारे साथ, शिवसेना के प्रवक्ता। संजय जी यहाँ पर बातें चल रही हैं, जो समर्थन पत्र को आप लोगों ने फर्जी करार दिया था, हो सकता है वो कानूनी तौर पर सही भी साबित हो सकता है, ऐसे में तो पूरी बाजी ही पलट जाएगी। आप लोग 162 के समर्थन की बात कह रहे हैं जिसमें आप लोगों ने 53 पूरे जो विधायक है उनको जोड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर अगर एनसीपी जो अजीत पवार हैं और बीजेपी साथ में है वो पूरे के पूरे अपने 54 विधायकों को जोड़ रही है, ऐसे में तो पूरा देखा जाए खेल बिगड़ जाएगा। मैं पूरी प्रक्रिया बता दूं आपको, जब स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर के पास शपथ लेंगे विधायक, इसके बाद दोबारा फिर चुनाव होता है, इसके बाद दोबारा एक बार फिर चुनाव होता है विधायक दल के नेता का, तो विधायक दल के नेता जो चुना जाएगा बना दिया जाएगा लेकिन अब जब शपथ ले लेंगे विधायक, उसके बाद एक बार फिर विधायक दल नेता बनाया जाएगा, तो मान लो जयंत पाटिल नेता बनेंगे तो उनकी जो दो लेकिन सवाल यहाँ पर ये है संजय जी कि अगर अजीत पवार ही रह जाते हैं विधायक दल का नेता तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो चलिए इस पर ये कहना तो फिलहाल सच में मुश्किल है, ये कोई अभी अभिधारणाएं नहीं लगा सकता है, सिर्फ कह सकते हैं कि एक अनुमान ही लगा सकता है कि आखिरकार जो एनसीपी है वो किसके साथ है, क्या बीजेपी प्लस एनसीपी होगा या फिर एनसीपी प्लस कांग्रेस प्लस शिवसेना होगा, ये कहने की बात है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कल 10:30 का वक्त दिया है, जबकि फैसला सुरक्षित रख लिया है, बस कल फैसला यहां पर सामने आ जाएगा कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट होगा कब। इससे पहले भी हम जिक्र यहां पर कर रहे थे कि क्या कानूनी तौर पर देखा जाए कि क्या जो समर्थन पत्र है वो वाजिब है, और अभी कुछ देर पहले भी यहां पर चर्चा चल रही थी कि जो अब कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के जरिए 162 समर्थन पत्र दिए गए हैं क्या वो सही है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ कहा जा रहा है कि किसी के साइन नहीं है, एफिडेविट कहीं ना कहीं तैयार कर लिए गए, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, पक्ष मजबूत या फिर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत ढीला है, क्योंकि खरीद फरोख का भी डर है एक तरीके से जल्द कोशिश की जा रही है, और क्या इस जल्द जल्द की कोशिश में ही कुछ पहलू यहाँ पर छूट जाएंगे। देखिए मैडम इसमें जो है ना ये क्लियर हो गया है कि जो अजीत पवार ने जो वहाँ लेटर दिए थे और गवर्नर ने जो एक्शन लिए सीएम और डिप्टी सीएम बनाने के लिए, आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट केवल उस चीज़ को वैलिड मांग रही है। दूसरी तरफ जो है कानूनी रूप से आप देखेंगे कि जो आज इसमें जो दिया गया है समर्थन पत्र गवर्नर के सामने, और वो अपने आप को स्टेक किए हैं कि गवर्नमेंट हमें बना ली दी जाए, तो वो देखिए अपने आप में इरेलीवेंट है, वो कोई उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि गवर्नर का सिर्फ एक है कि एक गवर्नमेंट फॉर्म बनाना कि इसको आप बना रहे हैं, तो ऑलरेडी सीएम डिप्टी सीएम बना दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर मार दी, तो अब जो है उसकी रिलेवेंसी कहाँ है, वो अपने आप में नल एंड वॉइड है। इसलिए ये तब होता है जब ये फ्लोर टेस्ट पे अपनी सरकार को कायम नहीं करते हैं,
तब उस लेटर का अब रिलेवेंसी होगा या शपथ पत्र वगैरह का, और उसमें शपथ पत्र की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है कि यदि बहुमत जिनके पास था, आज वो जो बहुसंख्या है जिनके पास बीजेपी के पास, वो फ्लोर टेस्ट में फेल होते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक है कि वो दूसरे पार्टी के पास चली जाती है। कि आप जैसे पिछले बार भी गवर्नर ने देखिए, पहले बीजेपी को बुलाया, बीजेपी ने कहा कि जी हमारे पास मत नहीं है उतने, हम बहुसंख्यक में नहीं है, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने एनसीपी को कॉल किया, सॉरी इसका शिवसेना को किया, क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी वही थे, शिवसेना ने उनको गोल मटोल और टाइम मांगने लगा तो गवर्नर ने कहा नहीं, उसके बाद वो एनसीपी के पास गए, तो कुल मिलाकर के उन्होंने भी ना तो हाँ ना कह करके वो डोल ड्रम में रहने लगे और यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग चलने लगा, बार्गेन होते रहा, विधायक लोग जो है कभी इस रिजोर्ट में कभी उस होटल में, ये होने लगा, तो ये कुल मिलाकर के वो बिल्कुल बाजार बना दिए। तो अब इस बाजार को तय करने के लिए यहां पर आए जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ कुछ दिन के बाद, क्योंकि बीजेपी बोली थी कि हमारे पास मेजोरिटी अभी हम नहीं है, जब मेजोरिटी में आएंगे तो हम बताएंगे, इस बीच में वहां गवर्नर रूल लागू हो गया, तो मैं समझता हूं जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो ये सारे के सारे कानून के अंतर्गत है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडिकेट कर दिया है कि ये जो गवर्नर ने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल प्रोसीजरल है और उसका डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें ये साफ कर दिया गया है, हम सिर्फ फ्लोर टेस्ट को लेकर यहाँ पर अपना फैसला सुनाएंगे। फ्लोर टेस्ट में भी देखिए एक टाइमिंग का है, अब यहाँ पर आ रहा है जैसे 7 दिसंबर की बात आ रही है, लेकिन मुझे अनुमानता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कल फैसला में 24 घंटा या 48 घंटे के बीच में कहेगा कि ये जो फ्लोर टेस्ट का प्रोसीजर है उसको एडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि उसी के बाद प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट होना है, बाकी जो विधायक हैं पहले शपथ लेंगे, हो सकता है कुछ विधायक बीमार हो जाए बाहर में हो जाए तो वो भी नहीं आए, संभावना यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, उसके बाद जो है स्पीकर का होगा चयन, स्पीकर के बाद जो होगा वो गवर्नमेंट का, आप मेजोरिटी में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को एडॉप्ट करेंगे उसके बाद ये फैसला लिया। सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, क्या ये सब जो चल रहा है, जैसा कि हालांकि कहा जा रहा है कि इमरजेंसी इतनी क्या थी कि रात के अंधेरे में फैसला हुआ और सुबह होते ही यहां पर शपथ ले ली गई, लेकिन क्या नहीं ये नहीं लगता कि जो तीनों दल हैं ये उनका ही यहां पर किया धरा है? क्योंकि जब शिवसेना को, जब बीजेपी ने यहां पर नकार दिया था कि हमारे पास समर्थन नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, शिवसेना को उसके बाद बुलाया गया, और तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियों के बीच ये पूरी खिचड़ी बन रही थी और ये पूरी कोशिश हो रही थी कि कौन से मंत्री किसके होंगे, किसको कौन सा विभाग मिलेगा। क्या इस रस्साकशी में क्या वक्त इतना इन तीनों पार्टियों ने नहीं गुमा दिया कि नतीजा आज ये निकला कि बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली? क्या ये खामियाजा इनका नहीं है, तीनों पार्टियों का? बिल्कुल है तीनों पार्टियों का, अधिक से अधिक जिम्मेदारी के साथ कहा जाए तो कांग्रेस की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बार बार कभी एनसीपी के पाले में गेंद फेंकते रहे, एनसीपी वाले कांग्रेस के में फेंकते रहे, कोई निर्णय होने की स्थिति में थी नहीं उस समय। और दूसरा, गडकरी साहब ने कहा था कि राजनीति में और क्रिकेट में अंतिम समय का में जो होता है वह बिल्कुल फिट होता है, तो उन्होंने दिखा दिया। दूसरी बात, क्या शरद जी को पता नहीं था कि आखिर में उनके भतीजे कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, किन के सारे पे मीटिंग कर रहे हैं? ये जब रात को समर्थन पत्र दिया है उससे 4 बार देवेंद्र जी से मीटिंग हो चुकी थी, तो क्या शरद जी को पता नहीं था? दूसरा, आप पीएम से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो क्या आपने शरद जी को, अपने भतीजे को विश्वास में लिया? क्या लौटने के बाद भी आपने उनके साथ बैठ के मीटिंग की? क्या आपके सारे पे ही बीजेपी से मीटिंग आपके भतीजे कर रहे थे? कुछ न कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में खुलेंगे कि आखिर में स्थिति थी क्या, और हो सकता है कि शरद जी ने एक दरवाजा बीजेपी से संबंध स्थापित करने के लिए, मीटिंग रखने के लिए भतीजी को अधिकृत कर रखा हो और उसने खेल खेल दिया हो सकता है कि अब कुछ होने वाला है नहीं है, लगता है उप मुख्यमंत्री वो अपनी बेटी को बनाएंगे, मेरा चांस कहीं बन नहीं पाएगा, रास्ता साफ है और उनके पास सारे पत्र भी थे। काफी समय से उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान भी चल रही थी, इसलिए कहा भी जाता। लेकिन संजीव जी, क्या ये समझा जाए यहाँ पर कि जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं, खामियाजा शिवसेना और एनसीपी भी यहाँ पर भुगत रही है, और हमेशा ये कहा जाता है, जैसे कि हम भी लगातार जब से ये घटनाक्रम पूरा तरह से चल रहा है और शरद पवार लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फैसला है वो अजीत पवार का निजी फैसला है, लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि परछाई है अजीत पवार, शरद पवार की राइट हैंड है यहाँ पर, और ऐसी कोई चीज नहीं कि शरद पवार ने कही हो और अजीत पवार ने ना करी हो। तो ऐसे में कैसे समझा जा सकता है कि ये जो फैसला है वो अजीत पवार का अकेले का होगा? देखिए, राजनीति में शरद पवार के चाल को समझना बहुत मुश्किल है, अक्सर सारे लोग ये बात कहते हैं, लेकिन शरद पवार के बारे में एक और चीज़ मैं बड़े ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि वो कम से कम वादा खिलाफी, और इस तरह से जो बातें हो रही है कि वो अंदर खाने कुछ और चल रही थी और सामने कुछ और चल रहे थे, वो
यदि वैसा कुछ चाल होता तो आज शरद पवार इसे प्रतिष्ठा का विषय मान के इस हद तक नहीं पहुंच जाते कि सरकार गिरने तक की नौबत आ। लेकिन ये तो खुद संजय राउत कह चुके हैं कि शरद पवार को समझना किसी के बस की बात नहीं। फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि शरद पवार यदि कुछ करना चाहते तो वो डंके की चोट पे करते, उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, वो जा सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि अजीत पवार और शरद पवार चाचा और भतीजे में जिस तरह की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी थी, और वो वहां पे लोकल स्तर पे वो निश्चित तौर पे वहां पे वो अध्यक्ष थे वो एनसीपी के, तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जाहिर सी बात है कि एक आशंकाएं जो मन में थी वो हो सकती है। लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या सारे विधायक उनके साथ थे जिसके आधार पे इतने बड़ा वो कदम उठा लिए? यदि इतने विधायक उनके साथ थे जिनके आधार पर उन्होंने कदम उठाया, मजबूती के साथ उनके पाले में होते, तो आज इतने दिनों के बाद वो कल परसों के बाद में आपने कल शाम में देखा होगा कि एक दो तीन लगभग दो घंटे में 21-22 ट्वीट उन्होंने ठोका जो था, उससे पहले वो गायब कहाँ रहे? वो निकलते डंके की चोट पे सामने आते, लेकिन उनका जिस तरह से वो बिल्कुल नेपथ्य में चले गए, छिप गए, और आज आपने देखा कि वो किस तरह से जा रहे हैं कार्यालय में जा रहे हैं, फडणवीस साहब के साथ साथ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो डंके की चोट पे आते, कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात की आशंका है कि उन्होंने गलत कदम उठा लिया। बिल्कुल राहुल जी अभी संभावनाएं और जिस दिन शपथ ली थी उस दिन संभावनाएं बिल्कुल इतर थी, उस दिन शपथ ली लेकिन आज जो है पदभार भी अपना ग्रहण कर लिया है डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार ने, और इसके बाद ज्यादा संभावनाएं ऐसी हैं कि एनसीपी के जो विधायक हैं वो छटक सकते हैं, अजीत पवार के साथ जा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा संभावनाएं यहां पर करी जा रही हैं। क्या ये हो सकता है कि डिप्टी सीएम का पद तो संभाल लिया है, अब तो कहीं ना कहीं सब कुछ तय हो गया है और इसी के चलते विधायक शरद पवार खेमे से निकल के अजीत पवार के खेमे में आ जाए? देखिए जो सामने में प्रदेश हम लोगों को दिख रहा है ये प्रथम दृष्टि लग रहा था कि क्या शरद पवार और अजीत पवार के बीच के जो मतभेद हैं वो वास्तविक मतभेद हैं कि नहीं है। लेकिन जिस तरह से सारे के सारे विधायक जो है कि अजीत पवार के खेमे से निकल रहे हैं, ऐसे में एक तरह से कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को दिखाने का भी प्रयास हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग पहले भी जैसे एफिडेविट या तमाम तरह के जो सदस्य लेके जा रहे हैं, ये सही बात है कि एक तरह से राज्यपाल ने अपना एक निर्णय लिया है, लेकिन उन सब चीजों का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, एक राजनीतिक प्रभाव है, उसका वैधानिक प्रभाव भले ना हो उसका आज के समय में, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो बहुमत तय होना है वो सदन के पटल पे ही तय होना है, वहीं पे आखिरी जो है कि चीजें तय होनी है। लेकिन अब इन पार्टियों के लिए ये आवश्यक है कि वो ये बताएं कि संख्या बल किसके पास है, जिससे कि इनके विधायक जो है कि वो एक साथ एक सुरक्षित रहे। जो सवाल है आपका रितु जी वो उसी के तरफ है कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अजीत पवार, वो जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर पवार फैमिली की रणनीति को अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इन लोगों के डिफरेंसेस पहले से नजर आ रहे थे, वो लग रहा है कि अब ज्यादा ही सामने में खुल के आ चुका है। ऐसे में अब अजीत पवार को, मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं शरद पवार ने अपने एक विशेष रणनीति के तहत अजीत पवार की भी रणनीति को कहीं ना कहीं ब्रेकअप लगा दिया इस पूरे प्रकरण के बाद, हम लोग वो भी देख सकते हैं वो चीज भी, चूंकि उनके घर के बीच का ये मतभेद था। यहां पे देखिए समझने वाली चीज है, पूरी तरीके से स्पॉइल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। देखिए अब समझते हैं थोड़ा सा इस पूरे मामले को। देखिए अभी तो दल बदल का नियम है, उसके तहत दो तिहाई सदस्य होने चाहिए अलग होने के लिए। अगर अजीत पवार कैसे इस मामले के मास्टर माइंड हो सकते हैं आज के डेट में, इनके लिए कम से कम देखिए दो तिहाई अगर शिवसेना का 54 है तो राहुल जी एक चीज अभी संकेत भी दिए थे कल, अगर शाम की घटना देखी तो एक जिक्र यहाँ पर ऐसा किया गया था शायद नई पार्टी हो जाए। नहीं मैं वही कुछ नई पार्टी होने के लिए क्या जरूरत है, नई पार्टी होने के लिए कम से कम अजीत पवार के पास 35 विधायकों का समर्थन होना चाहिए जो वर्तमान में नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके जो उनके निकटस्थ लोग थे वो भी वापस जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वर्तमान में जो दिख रहा है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में प्रति ओवर बिल्कुल घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन जो इस समय घटनाक्रम में इस घटनाक्रम में वो अलग दिख रहा है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिबेट हुई है वहां पे जो बहस हुई है, उस बहस में पहली बार ये दिख रहा है कि सत्ता पक्ष 14 दिन के लिए मोहलत मांग रहा है। क्यों 14 दिन का चाहिए? तो इसका मतलब है कि वर्तमान में कहीं ना कहीं फडणवीस जो ग्रुप है उस ग्रुप के पास अभी संख्या नहीं है, तभी वो चाह रहे हैं कि 14 दिन का समय मिले और उस विंडो में वो कुछ ना कुछ कामकाज करें। कभी भी सुप्रीम कोर्ट 14 दिन का समय कभी भी नहीं देगा। प्रमोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल हम लोग फैसला देखेंगे, वो 24 से 48 घंटे का कुछ ना कुछ एक टाइम कैप मिलेगा। 7 दिसंबर का ये पूरा पीरियड कभी मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा ये पीरियड, इसको बहुत समझने की जरूरत है। और बाकी अभी तक उन्होंने परसों अगर आपने शपथ ग्रहण कर लिया था तो देवेंद्र फडणवीस आज के मुख्यमंत्री का चार्ज संभाल रहे हैं, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में कॉन्फिडेंस ब्रेक एक लाने का प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल अकरम जी, एक वो चीज कहीं ना कहीं छूट गई थी, सुनील जी ने भी यहाँ पर कहा कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर नुकसान कांग्रेस को हुआ है, कहीं ना कहीं गलती आप करके रह गए। क्यों आखिरकार ये इतनी गलतियां हो रही हैं, क्यों शायद आत्मचिंतन नहीं हो रहा है? संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी क्या खामियाजा यहाँ पर कि कांग्रेस को मनाते मनाते इतनी देर हो गई कि कोई और सरकार बना ले गया?
नहीं देखिए मैं आपको बता देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे कहीं भी आप इतिहास देखिए कर्नाटक हो गोवा हो मिजोरम हो संजय जी, संजय जी उस दिन की बात तो आपको याद होगी जब नतीजे आए थे। संजय जी आप डिबेट में थे उस दिन की बात तो आपको शायद याद होगी जब मैंने ये कहा था कि क्या अब जब आंकड़ा मिल गया है बहुमत का तो सरकार बनेगी और वो भी बिना मतभेद के। आपने बड़ी तेज से हुंकार भरी थी कि बिना मतभेद के हम सरकार बनाएंगे और देखिएगा अब आज का दिन है। अब आज का दिन है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे नाम में गलती तो नहीं होगी कहीं? संजय जी नाम में गलती तो नहीं होगी कहीं? उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे? अकरम जी ये तो तय ही नहीं कर पा रहे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। और आप लोग तो स्पीकर के पद को लेकर यहाँ पर लड़े हुए थे, शायद लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ पर जो नतीजा है वो सामने आ गया शनिवार को। देखिए लड़ाई वगैरह कुछ नहीं है, इसको किसी भी तरीके देख सकते हैं। देखना यह है कि मौजूदा सरकार। सर मैं यही चीज कोट कर रही हूँ, जब लास्ट टाइम मेरे संजय जी से बात हुई थी तो बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई मतभेद नहीं था, पूरा बहुमत का आंकड़ा था। अब आप लोग भी कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है। जो लोग बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं है, अब दूसरे लोग आ चुके हैं। वो लोग हैं जो कभी तड़ी पार थे, उनके काम करने के तरीके अलग हैं। किस तरह से गवर्नर रूल लागू कर दिया गया, किस तरह से एक घंटे के अंदर राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, क्या ये लॉजिक है क्या? किस तरीके से राष्ट्रपति के पास कोई एप्लीकेशन नहीं गई, उन्होंने परमिशन दे दी, कहाँ गई वो फाइलें? विदाउट फाइल से फोन पर बात हो रही है। मुझे तो डर ये है कि अगर ये फ्लोर टेस्ट में फेल होते हैं तो क्या करेंगे, कहीं कश्मीर की तरह विधानसभा भंग तो नहीं कर देंगे? ये भी हो सकता है। और फिर दोष हमें ही देना, कांग्रेस को ही दोष देना कि सारी गलती कांग्रेस की टेंशन ले रहे हैं, ये अच्छी बात है मनोज जी, आप लोगों के लिए टेंशन ले रहे हैं ये लोग। ये हो सकता है, ये भी ये लोग कर सकते हैं क्योंकि जनता से देश से इनको कोई प्यार नहीं है। हमने देखा अरुणाचल प्रदेश का एक एमपी वो भी बीजेपी का पार्लियामेंट में कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना 60 किलोमीटर घुस चुका है और कोई इस पर मोदी जी बात नहीं कर रहे, गृहमंत्री जी इस पर कोई बात नहीं कर रहे। ये इनको देश की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ कैसे भी सरकार बन जाए। अभी एक मंत्री ने कहा था कि ये कैपिटल जो है आर्थिक राजधानी है, इसको हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, ये तो इनकी सोच और विचारधारा। अकरम जी आप बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं, हालांकि अंदर खाने देखे तो ये चिंता किसी के लिए नहीं बल्कि अपने के लिए यहां पर बन रही है।